पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में देपालपुर में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। कांग्रेसियों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। पूर्व सीएम कमलनाथ व देपालपुर विधायक विशाल पटेल के आह्वान पर कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने देपालपुर में प्रदर्शन किया। इसके चलते देपालपुर में कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इंदौर देपालपुर मुख्य रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने खड़े होकर मूल्य वृद्धि के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र दुबे, चंद्रजीत, पप्पू यादव, नंदकिशोर लड्डू यादव, युवा कांग्रेस के राजा दयाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि आम आदमी के बजट पर काफी असर डाल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मैदान संभाला है। विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र दुबे और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष चंद्रजीत पप्पू यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की मार आम जन पर पड़ रही है। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के हवन पर और हमारे विधायक माननीय विशाल जी पटेल के नेतृत्व में सभी कांग्रेसियों द्वारा गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग पर जो मार पड़ रही है पेट्रोल डीजल की बेहताशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम सब कांग्रेस दलों के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है, ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे और डीजल मूल्य डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि कम। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर माननीय विधायक विशाल जी पटेल के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल खाने के तेल रसोई गैस में जो बेतहाशा वृद्धि है उसको लेकर एक आज सांकेतिक प्रदर्शन यहाँ पे किया है, जिससे कि केंद्र की गूंगी बहरी सरकार का कहीं न कहीं यह संदेश हमारा उन तक पहुँचे और उनमें इस महंगाई कम यह महंगाई हुआ कम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने मैदान संभाला है और मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, देपालपुर।